Hi all, this is Anjali और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोग्राम टू प्रिंट सम ऑफ डिजिट्स ऑफ अ नंबर। सो आप यूजर से इनपुट कर रहे हो एक नंबर और आपको जो प्रिंट करना है दैट इज सम ऑफ इट्स डिजिट्स। फॉर एग्जांपल अगर यूजर इनपुट करता है 7823 तो जो मुझे फाइंड आउट करना है वो है 7 + 8 + 2 + 3। दैट मीन्स उस नंबर के अंदर जितने भी डिजिट्स हैं उन डिजिट्स को ऐड करना है और वो डिजिट्स आपको पहले से नहीं पता है कि कितने डिजिट्स हैं। हो सकता है नंबर 2 डिजिट नंबर हो सकता है 3 डिजिट नंबर हो, 4 डिजिट नंबर हो, इट कुड बी एनी नंबर ऑफ डिजिट्स। तो आपको यूजर से जो इनपुट करना है वो सिर्फ एक नंबर है, जस्ट वन नंबर इन नम। तो जो भी नंबर है वो मैं नम में इनपुट कर लूंगी और फिर मुझे उसके डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कराने हैं एंड देन आई हैव टू फाइंड देयर सम। सो इसमें जो मेन लॉजिक है कि डिजिट्स एक्सट्रैक्ट कैसे होंगे, ये हमने जब वाइल लूप वाली वीडियो करी थी जिसमें मैंने आपको बताया था वाइल लूप कैसे काम करता है, एक्सप्लेन यू द लॉजिक बिहाइंड दिस। बट अगर आपने नहीं देखी है तो आप पहले उसे देख सकते हो। अदरवाइज डिजिट्स निकालने का एक सिंपल लॉजिक ये होता है कि ये जो डिजिट्स है ये सब अपनी प्लेसेस पे होते हैं। जैसे ये 3 है, ये है यूनिट्स प्लेस पे, 2 है टेंस प्लेस पे, 8 है हंड्रेड्स प्लेस पे और 7 है थाउजेंड्स प्लेस पे। ऐसे आगे के प्लेसेस भी होते हैं। सो इन सब प्लेसेस में अपॉन 10 का गैप होता है। तो अगर मैं 7823 को 10 से मॉड करूँ, रिमाइंडर निकालूँ, तो मेरे पास रिमाइंडर आएगा 3 पहली बार, ठीक है। सो 3 विल बी द रिमाइंडर। डिजिट 1 आ गया आपके पास। आप इस पूरे नंबर को 10 से डिवाइड कर दोगे तो बचेगा 782.3। लेकिन अगर हम इंटीजर्स यूज कर रहे हैं तो पॉइंट तो आता नहीं है, तो आपके पास बचेगा सिर्फ 782। सो मेरे पास एक डिजिट 3 अलग हो गया और नंबर अलग हो गया 782। आई एम गोइंग टू रिपीट दिस तब तक जब तक मेरे सारे डिजिट्स खत्म नहीं हो जाते नंबर में। सो हाउ आर वी गोइंग टू कोड फॉर दिस? इसको कोड करने के लिए मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिया इंट नम और एक वेरिएबल लिया है सम जो कि इनिशियली 0 है और एक वेरिएबल ले लिया डिजिट के लिए, ठीक है। So I've taken one variable for digit, num, sum and all, okay? अब क्या करना है, आपको यूजर से नंबर पूछना है। तो आपने यहाँ पे पूछा printf enter a number और वो हमने scanf की हेल्प से इनपुट करा लिया। सो नंबर मेरे पास आ गया num में, ठीक है। सो आई गेट द नंबर आ गया। अब क्या करना है, अब मुझे रिपीट कराना है जब तक नंबर 0 नहीं हो जाता। सो मैंने एक लूप लगाया while number is greater than 0। जब तक नंबर 0 से बड़ा है तब तक क्या करो, उसको आप मॉड करो 10 से। मॉड किस लिए होता है, रिमाइंडर देने के लिए। सो वो 10 से उसको डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर होगा वो DG में आ जाएगा। अब जो भी रिमाइंडर आया है वो डिजिट है तो उसको मैंने सम में ऐड कर दिया, सम प्लस इक्वल टू DG। अब जो मेरे पास नंबर बचा है वो छोटा हो जाना चाहिए एक डिजिट से, तो उसके लिए मैंने लिखा नंबर इज इक्वल टू num डिवाइडेड बाय 10 एंड लूप खत्म होने के बाद बाहर आके प्रिंट कर दिया दैट सम ऑफ डिजिट्स इज %d एंड दैट इज सम। नाउ वी विल डू विद एन एग्जांपल हाउ डज इट वर्क। मान लो यूजर ने नंबर इनपुट किया होता कुछ भी से 564, ठीक है। 564 ग्रेटर देन 0 ट्रू है तो वो यहाँ पे आता DG इज इक्वल टू num mod 10 पे। सो DG में क्या आता, num कितना है 564, 564 mod 10 विल बी 4। सो डिजिट आ जाता 4 हमारे पास। अब सम पहले से 0 था, 0 में 4 ऐड करेंगे तो सम भी 4 हो जाएगा। अब मेन लाइन ये है num इज इक्वल टू num अपॉन 10। num इज इक्वल टू num अपॉन 10 से क्या होगा, डिजिट आपका जो नंबर है वो है 564। 564 को 10 से डिवाइड करते हैं तो 56.4 बचता है, लेकिन इंटीजर डिवीजन में पॉइंट्स में वैल्यू नहीं आती तो आपके पास नंबर में जो बचेगा दैट वुड बी 56। सो मेरे पास जो बचा वो है 56 यहाँ पे, ठीक है। So 56 बचा आपके पास। अब वो लूप को रिपीट करेगा। रिपीट कैसे करेगा, फिर से ऊपर जाएगा, चेक करेगा while num greater than 0, that is while आपका 56 जो है वो 0 से बड़ा है या नहीं। So 56 0 से बड़ा है, ट्रू है, तो फिर से अंदर आ गए। फिर अंदर आए, अब DG में क्या आएगा 56 mod 10 which is 6. फिर सब में आ गया, सब में 4 पहले से था, 4 plus 6 करेंगे तो 10 आ जाएगा. फिर 56 को 10 से डिवाइड करेंगे तो 5.6 होता है बट 5 बचेगा हमारे पास. फिर से ऊपर आएगा, फिर चेक करेगा वो अभी कि 5 greater than 0 है या नहीं है. अब 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड होता ही नहीं, पूरा रिमाइंडर ही 5 आ जाएगा. सब में ऐड होगा 15 हो जाएगा. 5/10 is 0.5 so you're left with 0. जब मेरे पास 0 बचा है तो अगली बार जब वो ऊपर जाएगा लूप में तो 0 greater than 0 is false और वो लूप वर्क नहीं करेगा. तो एंड में आपका सम हुआ 15 जो कि printf के थ्रू प्रिंट हो जाएगा जो लूप के बाहर है. Now let's see कि ये आपको क्या आउटपुट देता है. So this was the working. ये मैंने सिर्फ आपको करके दिखाया कि वो सिस्टम इंटरनली उसको कैसे करेगा. So actually मैं आपको कुछ भी नहीं करना है, आपने सिर्फ कोड लिखा है. अब आप जितना मर्जी बड़ा नंबर डालो जो कि इंटीजर्स की रेंज में है ऑब्वियसली, देन इट विल फाइंड आउट द सम एंड प्रिंट द सेम. सो यह है आपका, यहाँ पे मैं नंबर एंटर करूंगी. मैंने एंटर किया 785 सो इट शुड बी 7 + 8 + 5 दैट्स 20. दैट्स 20. मैंने फिर से एग्जीक्यूट किया, कुछ भी नंबर डाल दिया, 5 डिजिट नंबर है सो इट्स 28. आप 2 डिजिट नंबर डालना चाहते हो 55 और 56 so it's 11. सिंगल डिजिट होगा तो वही आ जाएगा सम में. So this is how we find sum of digits of a number using while loop. So I hope you got this. How is it working? आपको ये समझ आया है तो आप एक ट्राई करो प्रोग्राम लिखने का that is to find reverse of a number. So आपके पास अगर नंबर इनपुट हुआ है 356 आपको प्रिंट कराना है 653. So try doing that of your own and write the solution in the comments below. Thank you. That's it for this video. Keep watching, keep learning.